एक मर्तबा कोहे तूर पर अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अल्लाह ताला से हम कलाम होकर कहने लगे, ए अल्लाह तू अपने बंदों से क्या चाहता है। जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह पूछा, आवाज़ें गायब आई, ए मूसा तुम्हारा खुदा अपने बंदों से सिर्फ एक चीज़ चाहता है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, ए मेरे हाल के हकीकी कौन सी चीज़। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं सिर्फ मोहब्बत अमन चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इंसान इस ज़मीन पर मोहब्बत का दर्स फैलाता रहे, इसकी ज़िंदगी ऐसे हो जैसे हर किसी को अमन और सलामती मैसर हो, ताकि मैं इससे हज़ार गुना बेहतर दुनिया अता कर सकूँ। हज़ार ए मूसा याद रखना, जो मेरा बंदा इंसानों में मोहब्बत सलामती और अहलाक का बीज बोता है, मेरे नज़दीक वो जाहिद आबद और मत्तकी से हज़ार गुना बेहतर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, ए अल्लाह तेरे बंदे ऐसा क्या करें कि वो तेरे करीब हो जाएं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जिस दिल में मेरी हलकत के लिए जितनी मोहब्बत होगी वो इंसान इतना ही मेरे करीब होता जाएगा। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अल्लाह मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपकी मोहब्बत आपकी महलूक के दिल में पैदा हो जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा मेरी दी हुई नेमतों का मेरे बंदों के सामने जिक्र करो। जब लोग मेरी दी हुई नेमतों पर गौर व फिक्र करेंगे तो इनके दिल में मेरी और मेरी महलूक की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। मोहतरम दोस्तों, हमें अल्लाह ताला की दी हुई तमाम नेमतों पर शुक्र अदा करना चाहिए। हमें दुनिया में तमाम लोगों के साथ भलाई का मामला करना चाहिए, जिससे हमारी दुनिया अच्छी और हमें आहरत में अल्लाह ताला अपनी रहमत से नवाज दें।